नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यू भारत। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से तगड़े एक्शन में। गोमती नगर घटना और अयोध्या रेप कांड पर एक्शन मोड में सीएम योगी आदित्यनाथ। क्यों बोले कि आरोपियों के लिए चलेगी बुलेट ट्रेन। गोमती नगर में हुई घटना को लेकर अब योगी सरकार तगड़े एक्शन में नहीं नजर आ रही है। वहीं अयोध्या रेप कांड पर भी सपा नेता पर ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। घटना से जुड़े 16 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और लखनऊ पुलिस के SHO सहित कई पुलिसकर्मियों को उनके पद से सस्पेंड किया जा चुका है। उसी बीच सीएम योगी का विधानसभा में इस घटना पर दिए बयान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें सीएम योगी गोमती नगर में महिला के साथ हुई घटना का जिक्र करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वायरल वीडियो में सीएम योगी ने कहा कि घटना में शामिल आरोपियों की सूची उनके पास आ चुकी है। उन्होंने आरोपियों का नाम लेते हुए कहा कि ये सद्भावना वाले लोग हैं और अब इनके लिए सद्भावना एक्सप्रेस चलाई जाएगी। उन्होंने आगे ये भी कहा कि इन आरोपियों के लिए बुलेट ट्रेन चलेगी और अब बुलेट ट्रेन की तैयारी भी की जा रही है। सीएम योगी ने कड़ी कार्रवाई का आश्वासन देते हुए कहा कि महिला सुरक्षा के लिए सर्वोच्च है और महिला सुरक्षा हमारा प्राथमिक कर्तव्य है। यदि कोई व्यक्ति महिला सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करेगा और महिलाओं के साथ बदसलूकी करेगा तो उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ेगा। गोमती नगर घटना के मामले में सीएम योगी के वायरल वीडियो को लेकर सियासत भी गरमाई हुई है। विरोधी दल के नेता सदन में आरोपियों का नाम लेने को लेकर सीएम योगी पर हमलावर हैं। इधर अयोध्या में 12 वर्षीय नाबालिग किशोरी के साथ हुए दुष्कर्म के मामले पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं। रेप के मुख्य आरोपी सपा नेता मुहीद खान को गिरफ्तार किया जा चुका है। मुहीद खान की बेकरी और उनके अवैध मकानों पर जमकर बुलडोजर गरज रहा है। इस घटना पर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि दोषियों को किसी भी हालत में नहीं बख्शा जाएगा, उनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा। इसी घटना को लेकर सीएम योगी ने सदन में सपा नेता पर निशाना साधते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को कहा था कि ऐसे लोग आपकी पार्टी में है, ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद शनिवार को अयोध्या रेप केस के मुख्य आरोपी सपा नेता मुहीद खान की बेकरी और उनके अवैध मकान पर बाबा का बुलडोजर चला। इस पर आप अपनी क्या राय रखते हैं कमेंट जरूर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, द हेडलाइंस न्यूज़।